सुबह उठ के ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत में उठ गई हूँ। सुबह की चाय, इतना सुंदर नज़ारा और नए नए दोस्त, इन सब के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये नज़ारा मैंने अभी तक कभी नहीं देखा।
Run, run, run! Fire in the mountain. Today was the day 2 of our trek. Yesterday's trek was pretty small and not tiring at all. So, thoda sa aage kaisa hoga? Agar aisa hi hoga trek, to it's not so interesting aise lag raha tha. लेकिन सुबह सुबह जब 6 बजे उठाया गया टी के लिए, तो मैं जब टेंट से बाहर निकली तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई सॉ वाज टेंट हैड ड्रॉप्स ऑफ वाटर. तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर बोले तो मुझे ऐसा लगा कि बाजू में रिवर है और हम लोग काफ़ी ठंडे जगह में कैंप साइट था हमारा. दोनों तरफ से रिवर, एक तरफ से सुपिन रिवर और एक तरफ से उसकी ट्रिब्यूटरी थी, और बीच में हम लोग कैंप कर रहे थे. तो सुबह उठ के देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी वजह से पानी आया होगा. रात को काफ़ी ठंडी थी और हम लोग स्लीपिंग बैग में सोए थे, और स्लीपिंग बैग बहुत थिक था. सब जीरो टेम्परेचर्स, लाइक -10 डिग्री टेम्परेचर्स के लिए भी वो मतलब सेफ था. उतना गर्म नहीं, गर्माहट उसमें थी. सुबह उठने के बाद टेंट के ऊपर हाथ लगाया तो समझ गया कि वो वाटर नहीं है, इट्स आइस. सो वी वेयर स्लीपिंग एट सब जीरो टेम्परेचर. First experience of sleeping below the sky in a tent at sub-zero temperature. अब मज़ा आने लगा था. ओके, आज का ब्रेकफास्ट था एग करी एंड चपाती एंड बॉर्नविटा. बहुत बहुत सालों के बाद मैंने बॉर्नविटा पिया था तो बचपन की याद आ गई. सो 8 o'clock को हम लोगों ने हमारा ट्रैक स्टार्ट किया. और आज का ट्रैक, वैसे बताया गया था कि आज का ट्रैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा और हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाले हैं आज के ट्रैक में. तो आज का ट्रैक जैसे ही शुरू हुआ, हम लोग सुपिन नदी के बाजू से घने जंगलों में 100 फीट, शायद नदी से 100 फीट 50-60 फुट ऊपर, और हमसे ऊपर माउंटेंस. तो माउंटेंस के बीच में एक कट किया हुआ अनइवन रगेड टेरेन में हम लोग चल रहे थे. नीचे खाई, एक स्लिप होके गिर गए तो 50-60 फीट नीचे खाई थी, और नदी में ब्यूटीफुल क्रिस्टल क्लियर एक्वा. यू नो व्हाट, वी ऑलवेज वांटेड एक्वा कलर, और नदी का कलर बिल्कुल एक्वा क्रिस्टल क्लियर था. और हम लोग चल रहे थे. आज का ट्रैक एंड्योरेंस टेस्टिंग ट्रैक, फिजिकल फिटनेस टेस्टिंग ट्रैक था. और जो भी मैंने फिजिकल फिटनेस प्रिपेयर किया था आज मुझे काम आया. एक्चुअली 8 kilometers रनिंग इन धारवाड़, और वॉकिंग फॉर 5-10 kilometers, और डूइंग अ 10 kilometer ट्रैक इन धारवाड़ इज़ नथिंग एज कंपेयर टू अ 1 kilometer वॉक इन द रगेड ट्रेन अलॉन्ग द रिवर ऑन अनइक्वल रोड्स, और रादर ऑन अनइक्वल terrain. Okay, you can see the river behind me, and आप देख सकते हो कि river कितना beautiful water है इसका, aqua color का. और आज की trek में बहुत ज़्यादा
बड़ा चढ़ाव था, लिटरली डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमने ट्रैक पोल लिया था, हमको थोड़ा सा उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई और ट्रैक पोल ने हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और ट्रैक पोल की वजह से बैकपैक का वेट भी ज़्यादा नहीं लग रहा था हमको। ऐसा सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग बर्फीली वादियों में चल रहे हैं तो बिल्कुल गर्मी नहीं होगी और ठंडी होगी। जैसे जैसे हम चढ़ते गए वैसे वैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ते गया और लिटरली हम लोगों को स्वेट भी आ रहा था। तो रुक रुक के हम लोग थोड़ा रेस्ट ले के हम लोग चल रहे थे। आज हम लोगों ने दो ब्रिजेस क्रॉस किए हैं, बहुत सारे ब्रिजेस हमको दिखे हैं जो यहाँ के लोकल लोग यूज़ करते हैं। एक पेड़ को ऐसे आड़ा डाल दिया रिवर के इस पार से उस पार तक और उसके ऊपर उनका बैलेंसिंग एक्ट चलता है। वैसे ब्रिज तो हमने क्रॉस नहीं किए लेकिन एक ब्रिज हमने क्रॉस किया जो बहुत नेचुरल था और जिसके ख़त्म होते ही एक बहुत ही स्टीप चढ़ाव था। और ऐसे चढ़ते चढ़ते हम लोग 2 घंटे के बाद एक रेस्ट स्पॉट में आए। रेस्ट स्पॉट में हमने एक छोटा सा मेकशिफ्ट दुकान देखा जहाँ पे मैगी मिल रहा था और गर्म चाय मिल रही थी। तो सब लोगों ने गर्मा गर्म चाय पी। हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे क्यूट घरवाली बच्चे देखे जो अखरोट उठाने के लिए आए थे और उनसे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से बातचीत की। आगे का ट्रैक हमने फिर से कंटिन्यू किया। आज के ट्रैक में बहुत चढ़ाव था। सेकेंड स्पॉट एक गाँव था जहाँ पर हमने पैक्ड लंच खाया और उसके बाद भी हम लोग चढ़ते चढ़ते अभी हमारे कैंप साइट पर आ चुके हैं। कैंप साइट में बहुत मतलब ये साइट इतना सुंदर है, सामने हमको 5-6 माउंटेंस दिख रहे हैं एक के पीछे एक, पार्शियली कवरिंग ईच अदर द माउंटेन साइड। हर एक माउंटेन अलग है, बहुत सुंदर है यहाँ की सृष्टि। कई माउंटेंस पे पेड़ नहीं है, कई माउंटेंस पूरी तरह से पाइन के 100-100 फीट ऊंचे पेड़ों से भर चुके हैं और हमारे सामने हमको स्नो क्लैड माउंटेंस दिख रहे हैं जहाँ पे हम कल जाएंगे। फिलहाल हम एक प्लेन लैंड पे हमारा कैंपिंग साइट है और ये नज़ारा इतना सुंदर है। ग्रीन पेड़ों के बीच में एक फ्लैट लैंड है, बाजू से सुपिन रिवर फ्लो हो रही है, पीछे बहुत सारे माउंटेंस दिख रहे हैं अलग अलग कलर के और इस तरफ स्नो क्लैड माउंटेंस दिख रहे हैं। दुनिया का कोई भी होटल इतना बढ़िया एम्बियंस दे नहीं सकता। दिस इज लिटरली हेवन एंड वी आर नाउ गोइंग टू स्टेप इनटू अ मोर ब्यूटीफुल हेवन। सो अपवर्स एंड ऑनवर्ड्स टू हर की जोन बिहाइंड।